ब्रजेश जी, जो संजीव जी ने बात कही, मैं पूछूं आप खुद ही बोल, मतलब संजीव जी का सीधा ये रायबरेली हमेशा से गांधी परिवार के पास रही है, तो रायबरेली में यदि राहुल गांधी ताकतवर होते हैं तो वो समाजवादी पार्टी के लिए कैसे चिंता का विषय है, ये मेरे मेरी समझ के परे है, पहली चीज। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतती है, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी 6 सीट जीतती है, 43 सीट जीते हैं, वो बीजेपी को 62 से गिरा के 33 पे ला देते हैं, और आप कंसर्न है कि साइकिल के डंडे पे छोटी सीट पे कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, ये दूसरी चीज़ है जो मेरी समझ के परे है। यदि आप उस हिसाब से यदि बीजेपी की सीट का आंकलन करेंगे तो ये बीजेपी को कहाँ बैठाएंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है इस पूरे चुनाव में और उत्तर प्रदेश की हम केवल बात करें तो सबसे ज़्यादा आत्मचिंतन और कौन कहाँ बैठा है ये भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप ये कहें कि मैं वडोदरा से चुनाव लड़ रहा था और बनारस से चुनाव लड़ रहा थे, प्रधानमंत्री लड़े क्योंकि वो दोनों जगह का विकास करना चाहते हैं, ये भी मेरी समझ के परे है। बनारस से लड़ना एक टैक्टिकल डिसीजन था जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गया। देखिए, हमें प्रैक्टिकल सोचना हो भाई, जो एक आप एक निर्णय लेते हैं बतौर राजनीतिज्ञ और वो निर्णय आपके मुफीद आता है और उससे आपको फायदा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने 71 सीट जीती और अपने अलायंस के साथ 73 सीट पे जगह, जो उत्तर प्रदेश में के शानदार परफॉर्मेंस में से एक था। मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में आप उसके लेवल का कोई परफॉर्मेंस ला पाए, 84 था बस। और दूसरी चीज कि आपको ये भी समझना होगा कि दोनों हाथ में लड्डू से ज्यादा इस वक्त जिस पार्टी को आप, जब वो एक बड़ा चलता है व्हाट्सएप पे कि वो 30 नंबर पाके खुश हैं, हम 90 नंबर पाके दुखी हैं, ये सब एकदम वाहियात बातें हैं। कारण क्या है, आपने आपने विपक्ष को एक अंक तक नहीं रखा, आपने 99 अंक अपने साथ रखे, अब विपक्ष 55 या 45 का सीन जब आ गया तो आप कह रहे हैं विपक्ष खुश क्यों हो रहा है। अरे भाई, आप उसे एक नहीं दे रहे थे, मुझे एक आदमी बता दो जो कह रहा हो कि इतने नंबर आएंगे या कोई 300 सवा 300 से नीचे आने को तैयार नहीं था। तो ये बात जबरदस्त परिवर्तन आया, और मैं सुनील जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये मैसेज भी है। अभी जैसे कई आपने देखा होगा, महाराष्ट्र का एक उदाहरण दूंगा कि उद्धव ठाकरे ने कबूला कि कुछ मामलों में हल्की फुल्की फ्रिक्शन हुई थी, उन्होंने कहा कि हम इस फ्रिक्शन को दूर करेंगे, क्योंकि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने प्राण के लगा लिए और वहां पर 30 सीटें महाविकास अघाड़ी जीत गई जिनको आप 3 नहीं दे रहे थे, आप 18 पे, कांग्रेस वहां 13 सीट जीत गई, बीजेपी जो सबसे डोमिनेंट पार्टी है वो 9 सीट पे। वही बीजेपी के लिए तो वाकई में सोचने का। आप संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सुनील जी के पास जाऊंगा, फिर महेंद्र जी के पास आऊंगा। जी कुछ कह रहे थे आप, छोटी सी बात कहूंगा कुछ कर, जब हम कंपैरिजन सेम फुटिंग पर नहीं करते तो कंपैरिजन नहीं कहलाया जाता। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस भारतीय जनता पार्टी और निशान पार्टी के साथ कैसे कर सकते? भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा घटक है, समाजवादी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, कहां वर्षों से 72 साल कितनी बड़ी पार्टी। संजीव जी, इस वक्त 2024 में समाजवादी पार्टी लोकसभा के अंदर तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है 37 सीटों के साथ। कारण आपने जवाब दे दिया पुष्कर, उसका कारण जवाब आपने दे दिया, उसका कारण क्या है? कांग्रेस का कमजोर होना, एक नेशनल पार्टी का कमजोर होना, एक छोटे से स्टेट में एक पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन जाती है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस कमजोर है, यही रीजन है कांग्रेस कमजोर है। और बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना पुष्कर ड्रिबलिंग किया करते थे, जफर इकबाल ने बहुत अच्छी जो है वो रिस्ट करा और गोल जब एंड में आया, पाकिस्तान 4 और इंडिया 0 और शहनाइयां बज रही है, अरे क्या ड्रिबलिंग किया जफर इकबाल ने। तो लगभग कांग्रेस की स्थिति यही है। अरे कौन जीता का मैच बता रहे हैं, फिर से मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए पूरे संसार में। आज भी G7 में वेलकम मोदी जी का होता है, 3-0 हिस्ट्री बना दी व्यक्ति। अब मैं बताऊं आप यहां पर इंटरनेशनल बात लाए हैं, बता दीजिए कनाडा इनवाइट करेगा कि नहीं करेगा अगले G7 में, अगले साल कनाडा में है जाएंगे की मजबूरी है। अब फिर वही बात है ना संजीव जी, आपकी जो आपका जो वाक्य था बेगानी शादी में अब्दुल दीवाना, अब्दुल्ला दीवाना, वो तो इटली में सब, सुब्रमण्यम स्वामी भी यही चीज कह रहे हैं। ईमानदार रहना चाहिए हम लोग, जहां पे जो डिस्कशन, फिर वही आपको क्या मिला G7 में जाके, दो पक्षीय वार्ता कर मिली किसी से, हाथ मिला लिया जेलेंस्की से, और पुतिन का कोई विरोध नहीं है क्योंकि वहां से तेल हमको सस्ता मिल रहा है। तो ये बाजारवाद है, इसको सियासी घालमेल में मत बड़ा बनाइए। सुनील जी, संजीव जी का साफ कहना है
कि बेगानी के शादी में अब्दुल्ला दीवाना चल रहा है मामला, मोदी जी जीत रहे हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। उनियाल साहब ने कहा कि रायबरेली सीट पर रह करके कांग्रेस अपने जनाधार को बढ़ाने का प्रयास करेगी। 1977 के बाद से वो कौन सा कार्यकाल है जब कांग्रेस रायबरेली में नहीं रही है, जब कांग्रेस का कब्जा वहां नहीं रहा है? 98 में नहीं रही, 98 में अशोक सिंह जीते थे, अशोक सिंह जीते। अब उसके बाद लगातार, लेकिन वहां से गांधी नेहरू परिवार का कोई उम्मीदवार नहीं था। लेकिन राजनीति में ही नहीं कोई था, ये आपकी बात सही है। मैं कर रहा हूँ। बाकी अमेठी और रायबरेली पर तो हमेशा से, और समाजवादी पार्टी ने इन दोनों क्षेत्रों में कभी अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा किए। अब ये पिछले कई, अगर मैं याद करूं तो क्या समाजवादी पार्टी को इसका एहसास नहीं है? दूसरी चीज, अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहाँ बेमेल समझौता है तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी का समझौता कौन सा महान समझौता है? तमिलनाडु में AIDMK जो के पीछे पीछे बीजेपी घूम रही थी तो कौन सा महान समझौता है? मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ बीजेपी का समझौता कौन सा महान समझौता है? अब बहुत बड़ी पार्टी है, प्रचार करने का साहस है, जुटा पाते आप, उम्मीदवार भी आपको नहीं मिलते और बड़ी पार्टी आप हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि हर राज्य की अलग अलग राजनीतिक जरूरतें हैं। क्या सिर्फ महाराष्ट्र जैसे राज्य में शिवसेना से अलग बीजेपी कभी लड़ पाई? आज भी क्या शिवसेना के बगैर लड़ पा रही है वो? क्या बिहार जैसे राज्य में बीजेपी को नीतीश कुमार की आवश्यकता नहीं है? क्या नीतीश कुमार को किनारे करके चुनाव लड़ लेगी वो? ये राजनीतिक भाषा है कि ये जिस राज्य में किसी को आवश्यकता है वो जहां अपने राजनीतिक सहयोगी को देख रहा है और लड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी को देने की जरूरत है, और एक महान, एक बड़ी पार्टी निश्चित रूप से बीजेपी की ताकत पर कोई इनकार कर सकता है, लेकिन अगर विपक्षी दल बीजेपी जैसी एक मजबूत पार्टी से लड़ना चाहते हैं तो उनको गठबंधन में आना ही होगा। और ये केवल पहली बार नहीं हो रहा है, कांग्रेस के खिलाफ जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो गठबंधन की लड़ाई लड़ी जा रही थी। जनसंघ जैसी महान पार्टी 1952 से चुनाव लड़ रही है, अकेले बूते बीजेपी से नहीं लड़ पाई, उसको भी जरूरत पड़ी तमाम विपक्षी दलों की, जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा अपना अस्तित्व खत्म करके, तब वो बीजेपी से तत्कालीन जनसंघ लड़ पाई कांग्रेस के साथ। जब कोई एक बड़ा राजनीतिक ताकत है, उस ताकत से लड़ने के लिए तमाम ताकतें मिलती हैं और लड़ाई लड़ती हैं। कांग्रेस से लड़े थे उसका विपक्षी दल, जनसंघ का अस्तित्व खत्म हो गया, और आज बीजेपी से लड़ रहे हैं तमाम राजनीतिक दल जो बीजेपी से सहमत नहीं है, उनका एक गठबंधन है। तो गठबंधन का कहां पे कमजोर है, कौन छोटा हो गया, कौन बड़ा हो गया, सवाल ही नहीं है। सवाल है कि कितना मिल करके आप लड़ रहे हैं और आपस में अभी कितनी विश्वसनीयता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ संकट क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल उस पर विश्वास नहीं कर रहे, उनके बीच में भारतीय जनता इसका अविश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं है इस देश में जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो NCP हो, चाहे वो JDU हो, आप नाम लेते चले जाइए, रामविलास पासवान को भी तोड़ा, अब दोनों गुटे एक साथ है वो अलग बात। तो अब सवाल यह है कि ये आपके अंदर विश्वसनीयता की, आप पूरे देश में हलचल क्यों मची हुई है कि आज TDP कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष हमारा होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि मांग कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन ये बात चल रही है कि TDP लोकसभा का अध्यक्ष चाहता है, क्यों चाह रहा है वो? इसीलिए ना कि बीजेपी की राजनीतिक विश्वसनीयता घटी है, न केवल आम लोगों में, उसके राजनीतिक सहयोगियों में भी घटी है। अब अगर राहुल गांधी की रायबरेली की उपस्थिति को समाजवादी पार्टी के चुनौती के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय यह क्यों नहीं कहा जाएगा कि इंडिया गठबंधन के विस्तार से राहुल गांधी रायबरेली में रुक गए, हिंदी बेल्ट में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, इन तमाम राज्यों में जहां पर कि एक बड़े दो बड़े नेता लग करके अपना इंडिया गठबंधन का विस्तार देंगे, यह महत्वपूर्ण है। वायनाड भी पार्टी ने, कम से कम आज ये कांग्रेस पार्टी ने 3 संसदीय क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति, मजबूत उपस्थिति दर्ज की, वायनाड, रायबरेली और अमेठी। ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि वायनाड से राहुल गांधी भाग गए, यह बात तो कही जा रही थी कि अमेठी से भाग गए। जो आदमी भाग गया उसको तो उससे तो आप जीत नहीं पाए। ये राजनीतिक जरूरत, आज राजनीतिक जरूरत है राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी की बनारस में उपस्थिति, ब्रिजेश ने सही कहा कि नरेंद्र मोदी की बनारस में उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी को 2014 में एक बड़ी राजनीतिक ताकत दी।
और उस राजनीतिक ताकत ने पार्टी को विस्तार दिया। 2024 के चुनाव में वो खत्म हो गई। प्रधानमंत्री जी का जीत का प्रतिशत कम हो गया। देश के उन एकमात्र प्रधानमंत्री बने हैं वो जो सबसे कम मार्जिन से चुनाव जीता हुआ है। आसपास के जितने संसदीय क्षेत्र हैं, चंदौली, मछली शहर, रावर्ट्सगंज, गाजीपुर, सब हार गया। और वही प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी जो 2014 में थी पहले चुनाव में 71 सीटें जीत करके आई। उस समय एक राजनीतिक ताकत के रूप में बीजेपी की उपस्थिति थी और लोगों ने जन समर्थन दिया। जब आप अपने पार्टी के अपने गठबंधन के लिए ताकत जुटा रहे होते हैं तो बड़े नेताओं की उन इलाकों में उपस्थिति लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करने में मददगार होती है, जो आज इंडिया दल समूह की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस राजनीतिक जरूरत के तहत राहुल गांधी अपने आप को रायबरेली में रखने की कोशिश की है। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी रायबरेली में रहेंगे तो विपक्ष को भी मजबूत करेंगे और हिंदी पट्टी में रहेंगे तो कांग्रेस भी मजबूत होगी? उनियाल जी आएंगे, आप बार बार इंटरवीन करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं महेंद्र जी के पास जाऊँ। महेंद्र जी, ये इस बात से मैं सुनील जी की इत्तेफाक रखूंगा कि जरूरत दोनों गठबंधनों की दोनों को है। यूपी में एक सफल गठबंधन 2024 का दिख रहा है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है, और बीजेपी में जो गठबंधन में थे सहयोगी, कल ही ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि योगी और मोदी की को जनता ने नकार दिया। तो कब आपका गठबंधन साथी आपको क्या कह देगा, ये आज के उसमें है सही नहीं है। दोनों की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी में जो विश्वसनीयता वाली बात कही बीजेपी के लिए सुनील जी ने, वो बड़ी बात है कि उसमें कुछ कमी आ रही है कि पार्टियां तोड़ देते हैं क्षेत्रीय दल, चाहे जेडीयू हो, चाहे एनसीपी हो, शिवसेना हो, तो इससे डर आ रहा है क्या उनके सहयोगियों में? नहीं, देखिए, ये मैंने पहले ही कहा कि निश्चित रूप से जिस तरीके से महाराष्ट्र में या पंजाब में जो स्थिति रही वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं गई। और जहां तक उत्तर प्रदेश में इन छोटे दलों की बात है तो इन्होंने खुद ही अपनी विश्वसनीयता धीरे धीरे खो दी, जिस तरीके से उन्होंने बार बार जो है पाला बदला, खासकर अगर राजभर की बात करें हम तो, और या जो निषाद पार्टी की बात करें जिस तरीके से बार बार उनके बयान आए, और या दारा सिंह की बात करें। हाँ, देखिए, अपना दल जो है इससे रही तो अपना दल ने अपनी अपनी सीट बचाने में वो कामयाब रही, उन्होंने कुछ हद तक अपने विश्वसनीयता बनाए रखे। तो ये देखिए, जो भारत में अगर हम आज इंडियन फेडरलिज्म की बात करें, भारत के संघ की बात करें, तो निश्चित रूप से दो पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, वो कोर हैं। और जो बाकी पार्टियां, अगर कोई भी इन दोनों में से जो राष्ट्रीय पार्टियां, वो कोशिश करेंगी कि आप निश्चित रूप से वो अपना विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन वो किस कीमत पे और किस शर्तों पे वो अपना विस्तार करेंगी, ये बहुत मायने रखता है। शायद जो है, अगर आप जो है आप देखें तो जो इंडिया गठबंधन है, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरीके से बहुत ही जमीनी स्तर पे शांत तरीके से चुनाव लड़ा, तो वो उनके पक्ष में गया। लेकिन अभी भी आप देखें कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अभी भी कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें जहां पे जाति समीकरण जो है उभरे और उस संविधान को बदल देंगे और जो है जो जाति जनगणना और आरक्षण को खत्म कर देंगे, जो नैरेटिव जो है वो चला लोगों के बीच में। और ये मैं एकदम सुनील जी से सहमत हूँ कि कुछ ना कुछ जो है कास्ट सेंसस की शुरुआत में, इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को देना चाहता हूँ कि उन्होंने ही जो कास्ट सेंसस की बात रखी, ये वो जो एक सामाजिक वर्ग है कहीं कहीं धीरे धीरे वो उन तक पहुंचता गया। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती की कि भारतीय जनता पार्टी ने उस खिसकते सामाजिक जो ताना बाना था जो उन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक बनाया हुआ था, उस ताने बाने को समेटने में, उसको एकजुट रखने में बहुत प्रयत्न नहीं किया, बहुत कोशिशें नहीं की। उनको लगा कि इन छोटे छोटे दलों से हम समीकरण बना लेंगे, इनसे गठबंधन कर लेंगे। तो वो जो एक सोशल कोलिशन था ग्राउंड लेवल पे जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहा था, चाहे वो जो है एमबीसी हो, चाहे वो नॉन जाटो दलित हो, वो जो उनके साथ एक मुश्त एक तैनात था, चाहे वो लाभार्थी वर्ग के रूप में हो, चाहे वो हिंदुत्व से मोटिवेटेड होके हो, चाहे वो राष्ट्रवाद से
जो है प्रेरित होके हो वो खिसक रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने उसको रोकने की उसको उसको अपने साथ बनाए रखने की बहुत ही पुरजोर कोशिश नहीं की। वो अपने पुराने एजेंडे पे चलते रहे। शायद जो कोर्स करेक्शन की आवश्यकता थी चुनाव में या जो जो इन 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 सामाजिक समीकरणों में मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी भूमिका रही जो जॉब्स के लेके इन सब इन 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 जो जो है जातियों में जो युवा था उनमें जो चाहे अग्निवीर हो चाहे रेलवेज के एग्जाम ना होना हो तमाम तरीके के जो एक एक उनको कईयों की उम्र बीत गई जो इस तरीके के बातें हुई उन्होंने भी अपने जो है परिवार को समझाया और जो है उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लेते गए।